स्टूडेंट, आज हम ईवीएस की बुक पढ़ेंगे। ईवीएस में हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, फूड यानी कि खाना। अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व। हमारे शरीर को अच्छी तरह विकसित होने के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट, और ये सब हमें अपने खाने से मिलता है जो हम खाते हैं। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट फूड आइटम्स एंड ईच न्यूट्रिएंट हैज़ इट्स ओन फंक्शन। अलग अलग खाने की चीज़ों में अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं और सबका अलग अलग काम होता है। सम न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। सम बिल्ड अवर इम्यूनिटी, कुछ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बनाते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? बीमारियों से लड़ने की जो अंदरूनी शक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। जैसे जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है वो जल्दी बीमार होता है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो बीमार आसानी से नहीं होता। एंड सम हेल्प्स अस टू ग्रो, दस टू ऑब्टेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी शुड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। इसलिए हमें सारे तत्वों पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग भोजन करना चाहिए। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। काइंड्स ऑफ फूड, खाने भोजन कितने तरह का होता है? देयर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ फूड, तीन तरह का होता है। नंबर वन, एनर्जी गिविंग फूड, जो ऊर्जा देने वाला खाना होता है। अवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क, हमें हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी, और जो वसा, फैट होती वसा, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देते हैं। वीट, कॉर्न, शुगर, पोटैटो, गेहूँ, मक्का और ये चीनी, आलू, घी, बटर, ऑयल और घी, इन सब ये आर सम एनर्जी गिविंग फूड। ये सब हमें क्या देते हैं? एनर्जी। बॉडी बिल्डिंग फूड, द फूड दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारे शरीर को बनने में मदद करते हैं। दिस फूड इज रिच इन प्रोटीन, और ये जो खाना होता है इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इट इंक्लूड्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि दही, मक्खन, घी वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। और बीन्स, जो बीन्स होती हैं, पल्स, दालें होती हैं, फिश, मछली और अंडे, ये सब क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फूड, द फूड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेज इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वो खाना जो हमें बीमारियों से बचाव करता है हमारा, वो क्या होता है? प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम इलनेस। जो विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण, वो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। और ये कौन कौन से खाने में होते हैं? फ्रूट्स, फलों में होते हैं, वेजिटेबल, सब्जियों में होते हैं, मिल्क, दूध में होते हैं। एंड सीरियल्स आर सम फूड सोर्सेज दैट आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, इन सब में क्या होते हैं? विटामिन और मिनरल्स। बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट मतलब संतुलित आहार। ए डाइट दैट कंसिस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय अवर बॉडी इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट। वो भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है, वो क्या होता है? बैलेंस्ड डाइट। ए बैलेंस्ड डाइट कीप्स अस हेल्थी एंड हेल्प्स अवर बॉडी टू ग्रो। एक बैलेंस्ड डाइट हमारे शरीर को हेल्दी रखता है और विकसित होने में मदद करता है। वाटर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर स्टेइंग हेल्दी, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। जो पानी होता है वो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है और हमें आवश्यक मात्रा में पानी पीना चाहिए। वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, ये हमें खाने को पचाने में मदद करता है। इट ऑल्सो फ्लशेज आउट द हार्मफुल वेस्टेज फ्रॉम अवर बॉडी, और हमारे शरीर में जो हानिकारक वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालने में भी पानी मदद करता है। डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग खाने की ज़रूरतें। वी शुड ईट ओनली एज मच अमाउंट ऑफ फूड एज रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी, हमें सिर्फ उतना खाना चाहिए जितनी हमारे शरीर को जरूरत होती है। इफ़ वी ईट फूड इन मच अमाउंट देन अवर रिक्वायरमेंट, अवर स्टोमक बिकम्स अपसेट एंड वी मे वॉमिट एंड फॉल सिक। अगर हम अपने खाने के अनुमान से ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारा पेट दर्द करेगा या उल्टी होने लग जाएगी। इफ़ वी ईट लेस अमाउंट ऑफ फूड, अगर हम अपने शरीर की जरूरत के से कम खाएंगे, वी बिकम वीक, तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और जो ये खाने की जरूरत है वो हर इंसान में अलग होती है। लेट अस अंडरस्टैंड दीज वेरिएशन थ्रू डिफरेंट केसेस, हम नीचे पढ़ते हैं ये उदाहरण में। स्मॉल बेबीज डो नॉट ईट एनी फूड,
जो छोटे बच्चे होते वो कोई खाना नहीं खाते, दे ड्रिंक ओनली मिल्क, वो दूध पीते हैं, दे ड्रिंक मिल्क मैनी टाइम्स इन ए डे, एक दिन में वो कई बार दूध पीते हैं। मिल्क इज़ ए कम्प्लीट फूड, जो दूध है वो एक संपूर्ण आहार है। इट कंटेन्स ऑल द मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय बेबीज टू ग्रो एंड ही एंड बी हेल्दी, इसमें वो सारे तत्व होते हैं जो एक बच्चे को विकसित होने में मदद करते हैं। आफ्टर सम मंथ्स दे टेक सेमी सॉलिड फूड लाइक मैश्ड बनाना, और कुछ समय बाद वो छोटे बच्चे होते हैं वो मसाला केला खाने लग जाते हैं, बॉयल्ड पोटैटोज, उबले आलू, राइस, चावल एंड सॉफ्ट फ्रूट्स, और नरम नरम फल। यंग पीपल ईट ए लॉट ऑफ फूड एंड कैन ऑल्सो डाइजेस्ट इट ईजीली, जो जवान लोग होते हैं बहुत सारा खाना खाते हैं मतलब, और वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। दे ईट ए लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स बिकॉज दे कीप देम हेल्दी, और उनको हरी सब्जी खानी चाहिए ताकि वो उनको हेल्दी रखे। वुमेन जनरली ईट लेस अमाउंट ऑफ फूड देन मैन, जो औरतें होती हैं वो आमतौर पर आदमियों से कम खाना खाती हैं। वुमेन ईट फूड दैट इज रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, औरतों को ऐसा खाना खाना चाहिए जो जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो। सच फूड गिव्स देम एनर्जी टू वर्क, क्योंकि उनको काम ज़्यादा करना पड़ता है इसलिए उनको एनर्जी इनसे मिलती रहेगी। ऑल्ड पीपल आर वीक, और जो बूढ़े आदमी होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। दे ईट फूड कुक्ड विद लिटिल ऑयल एंड स्पाइसिस, वो ऐसा खाना खाते हैं जो इसमें कम तेल हो और कम मसाले हो। दे डू नॉट ईट मच फूड, वो ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। दे प्रेफर फूड विच इज़ ईजी टू चू एंड डाइजेस्ट, बूढ़े लोग ऐसा खाना खाना पसंद करते हैं जो चबाने में आसान हो और उनको पचाने में भी आसान हो, क्योंकि इस उम्र में डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इट कीप्स देम हेल्दी एंड एक्टिव, ये उनको हेल्दी और एक्टिव रखता है। जंक फूड, जंक फूड क्या होता है? सम फूड्स आर वेरी टेस्टी बट दे मे नॉट बी गुड फॉर हेल्थ, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ऑल्सो द रेडी टू मेक फूड और प्रिपेयर फूड सोल्ड इन द मार्केट आर नॉट हेल्दी फॉर अस, और जो बाजार में बना बनाया खाना मिलता वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सम सच फूड आइटम आर बर्गर, समोसा, डोसा, चाउमीन, पिज़्ज़ा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जंक फूड जो होती हैं हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि जंक फूड्स हैव जीरो न्यूट्रिशन वैल्यू, जो जंक फूड होता है इसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल भी जीरो न्यूट्रिशन वैल्यू होती, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ईवीएससी वर्कशीट हम करेंगे, इसमें सबसे पहले वर्ड मीनिंग, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, इम्यूनिटी मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत, ऑप्टेन प्राप्त करना, वीट गेहूँ, प्रोटेक्ट बचाव करना, बैलेंस डाइट संतुलित भोजन, रिक्वायरमेंट जरूरत या आवश्यकता, स्टोमक पेट, अपसेट परेशान, वेरिएशन विभिन्नता। क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एक्सप्लेन, अलग अलग तरह के भोजन कौन से होते हैं बताइए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स आर एनर्जी गिविंग फूड, अवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी, वीट, कॉर्न, शुगर, पोटैटो, बटर, ऑयल एंड घी आर सम एनर्जी गिविंग फूड, वो खाना जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड, द फूड दैट हेल्प्स अवर बॉडी टू ग्रो इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, वो खाना जो हमारी बॉडी को निर्माण में मदद करता है। दिस फूड इज रिच इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। इट इंक्लूड्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बीन्स, पल्सिस, फिश एंड एग्स, जैसे मछली, दालों या दूध वगैरह में होता है। प्रोटेक्टिव फूड, द फूड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीज इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड सीरियल्स आर सम फूड सोर्सेज दैट आर रिच इन